नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग लोक भवन में हुई। बैठक में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अगले 3 महीने तक और देने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इस राशन योजना के दायरे और बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी ने और कुछ क्या कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। यूपी में चुनाव नतीजे आने के बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्रियों बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही एक बार फिर से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी के शासन की शुरुआत हो गई। तो वहीं बीते शुक्रवार को शपथ लेने के बाद राज्य सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगले 3 महीने तक 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार बनने के बाद ये पहली कैबिनेट का फैसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के दायरे को और भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में खत्म हो रही इस योजना को अब जून 2022 तक जारी रखा जाएगा। यह योजना जो कि मार्च 2022 तक ही थी, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। साथ ही साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलता रहेगा। यह योजना मार्च 2020 से लागू की गई थी और मार्च 2022 तक चली थी, जिसे अब और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी के ऐलान के मुताबिक राज्य में अंत्योदय कार्ड वालों को 35 किलो अनाज के अलावा 1 किलो चीनी, दाल, नमक और 1 लीटर तेल भी फ्री मिलता रहेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुविधा पहुंचाते रहें। उन्होंने कहा कि आज पहली कैबिनेट की बैठक में हमने मुफ्त राशन योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार 3,270 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि कैबिनेट के इस बड़े फैसले के बाद योगी सरकार कौन सी अगली बड़ी योजना पर काम करेगी।
भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ 37 साल बाद इतिहास दोहराते हुए सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, जबकि योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इस दौरान ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि कई अन्य दिग्गजों को भी योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं योगी के मंत्रिमंडल में मौजूद सियासी धुरंधरों की राजनीतिक पारी पर। योगी सरकार 2.0, मंत्रियों का सियासी सफर। योगी ने थामी सूबे की कमान। संगम नगरी से शुरू हुई केशव मौर्य की पारी। गृहणी से मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य। 33 साल से अजय है विधायक सुरेश खन्ना। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को हुआ। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में हुई। माता पिता को बिना बताए गोरखपुर जा पहुंचे, जहां सन्यास धारण करने का निश्चय लेते हुए उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। इसके बाद गोरखपुर सीट से चुनाव जीतने के बाद योगी 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे और फिर लगातार 2017 तक 5 सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। साल 2017 में यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी के हाथ लगी, जिसके बाद योगी के शानदार 5 के कार्यकाल के बाद एक बार फिर से जनता ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान थमा दी है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले ब्रजेश पाठक ने छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और साल 2022 में उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में डिप्टी सीएम जैसा अहम मुकाम हासिल किया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे थे। पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे थे, जिसके बाद पाठक राजनीति की ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ने लगे। साल 2022 कांग्रेस ने उन पर दाम लगाया, जिसके महज 2 बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर अंत में यानी कि साल 2016 में ब्रजेश पाठक भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पाठक को लखनऊ मध्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में पाठक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को पराजित कर ये सीट जीत ली। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से हुई, जब वे 2022 में स्थानीय माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और 7,000 मत पाकर 4th स्थान पर रहे।
बाद में 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र सिराहतू से पहली बार विधायक चुने गए। उस समय वो इलाहाबाद मंडल के चारों जिलों इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर से इकलौते भाजपा के विधायक चुने गए थे। साल 2013 इलाहाबाद के केपी कॉलेज में ईसाई धर्म प्रचारक के आगमन के विरोध का नेतृत्व करते हुए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हुए। अप्रैल 2016 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके ही नेतृत्व में भाजपा ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भले ही मौर्य को पल्लवी पटेल के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एक बार फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया है। साल 1995 में बेबी रानी मौर्य का भाजपा के साथ राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। इससे पहले वे घरेलू महिला थी। पार्टी में आते ही उन्हें मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया था। वे आगरा की पहली महिला मेयर बनी थी, जिसके बाद वो राजनीति में सक्रिय रही। साल 1997 में बेबी रानी मौर्य को भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था। 2018 में उन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया था। वे उस समय विदेश में थी। जब तक पदभार ग्रहण करती तब तक राज्यपाल के लिए उनकी घोषणा हो गई थी, जिसके बाद साल 2018 में उनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। और अब साल 2022 में बेबी रानी मौर्य को योगी के मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहां से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पिछले 33 सालों से लगातार 8 बार से विधायक हैं। सुरेश कुमार खन्ना यहां से 1999 में पहली बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। साल 1991 में सुरेश कुमार खन्ना दूसरी बार निर्वाचित हुए और कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए। साल 1989 में शुरू हुआ सुरेश कुमार खन्ना की जीत का सिलसिला। 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 और 2017 के चुनाव में भी जारी रहा। ये सिलसिला इस साल के चुनाव में भी जारी रहा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। राजनीति के सफर में अहम मुकाम हासिल करने वाले ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनको शुरुआती जीवन से ही राजनीति ने अपनी तरफ खींच लिया। तब से ये नेता राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनकी सक्रियता और लोकप्रियता का ही नतीजा है कि इन सभी सियासी धुरंधरों के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी गई है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके साथ 2 डिप्टी सीएम और 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पर इस बार विधायक बनने के बाद कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कौन कौन नेता है जिन्हें योगी कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सीएम के साथ इस सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री और दर्जनों अन्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस सरकार में नए चेहरों के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण से लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा व दानिश आजाद अंसारी जैसे नए चेहरों को जगह मिली है। इसके साथ ही पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा से लेकर सतीश महाना और सिद्धार्थ नाथ सिंह व आशुतोष टंडन जैसे बड़े नेताओं समेत पिछली सरकार में मंत्री रहे कुल 22 नेताओं को इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है।
राजनीतिक रूप से सक्रिय और मजबूत माने जाने वाले नेता सतीश महाना से लेकर योगी आदित्यनाथ के करीबी नेताओं को आखिरकार मंत्री पद क्यों नहीं मिला, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके काम को देखते हुए एक बार फिर उन्हें जीत दिलाई है। पर कुछ नेताओं के मंत्रिमंडल में नहीं होने पर हर किसी को आश्चर्य हो रहा है। तो उधर चुनाव अभियान के दौरान इनमें से ज्यादातर नेताओं के खिलाफ स्थानीय स्तर पर इतनी नाराजगी थी कि इससे पार्टी को परेशानी हो रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि ये लोग बड़ी मुश्किल से मोदी और योगी के नाम पर जीत कर आए हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले महेंद्र सिंह और युवा नेता और ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा और महेंद्र सिंह को भी इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने के लिए आर्थिक भ्रष्टाचार जैसे आरोपों को वजह माना जा रहा है। बता दें कि महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री थे और वो प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उनके ऊपर आर्थिक मामलों जैसे जुड़े आरोप थे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में कभी बसपा नेता रहे बृजेश पाठक का कद बढ़ाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि ये कदम प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पिछली सरकार में भी दिनेश शर्मा के रूप में पार्टी में एक ब्राह्मण नेता उप मुख्यमंत्री के पद पर मौजूद थे। दिनेश शर्मा दो बार लखनऊ से मेयर रह चुके हैं, वो लखनऊ के लोगों को जानते हैं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा असंतुष्ट लखनऊ के ही लोग थे। शिकायत थी कि वे मिलते नहीं, काम नहीं करवाते और जरूरत पड़ने पर फोन भी नहीं उठाते। इसके अलावा उनके होते हुए ब्राह्मण समाज में लंबे समय तक एक पूरा नैरेटिव चलाया गया कि ब्राह्मण नाराज हैं। इसके विपरीत बृजेश पाठक जनता के बीच पूरी तरह से सक्रिय रहे। उनके घर के बाहर जश्न से ये बात साबित हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान हमने आधी रात को भी फोन किया और उन्होंने फोन उठाया। सार्वजनिक जीवन में ये चीजें काफी अहम होती हैं। वाराणसी दक्षिण से जीत कर आने वाले नीलकंठ तिवारी के लिए माना जा रहा था कि टेंपल सीट से जीत कर आने वाले नीलकंठ तिवारी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। नीलकंठ तिवारी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगानी पड़ी। उनसे लोगों की इतनी नाराजगी थी कि कोई बात लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अगर प्रधानमंत्री दो दिन बनारस में रुके ना होते तो उनके जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। आपको बता दें ये भी पहली बार के विधायक थे और उन्हें सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बावजूद उनका प्रदर्शन ये है कि बनारस में कोई आदमी उनके बारे में अच्छा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उधर अगर हम आशुतोष टंडन की बात करें, आशुतोष टंडन को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की सिर्फ एक वजह थी कि उनको अपने काम के प्रति खास रुचि नहीं थी, इसी वजह से उन्हें हटाया गया। इसके साथ ही सतीश महाना को हटाए जाने पर कहा जा रहा है कि वो सक्रिय थे और मजबूत भी, लेकिन कानपुर से किसी एक व्यक्ति को लाया जाना था और असीम अरुण को लाया गया है। ऐसे में महाना को बाहर रखना पड़ा। फिलहाल ऐसा लग सकता है कि जैसे बीजेपी ने इन तमाम नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह न देकर उनके प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से तमाम नेता संगठन के काम में लगाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लचर सिस्टम के चलते अब सरकारी योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमेठी में एक एम्बुलेंस रिपेयरिंग की दुकान में तब्दील हो गई है। आखिर एम्बुलेंस रिपेयरिंग की दुकान में क्यों तब्दील हो गई, ये देखने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सरकारी एम्बुलेंस में संचालित तो वेल्डिंग की दुकान, खड़े खड़े कबाड़ हो गई 108 एम्बुलेंस। मिस्त्री ने औजार रख शुरू किया रिपेयरिंग का काम।
स्वास्थ्य विभाग के लवचर सिस्टम के चलते अब सरकारी योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है। मरीजों को लाने ले जाने वाली इस एम्बुलेंस को तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है, यह गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान है। चौकी नहीं, यह सच्चाई है। यूपी के अमेठी में 108 एम्बुलेंस से मरीज नहीं ले जाए जाते बल्कि गाड़ी की मरम्मत होती है। चौंकाने वाली यह तस्वीर है मुसाफिर खानों कोतवाली क्षेत्र के कमरौली इलाके की। सरकारी योजना का उड़ा मखौल। दरअसल यूपी में पहले की अखिलेश यादव सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत 108 एम्बुलेंस चलाई थी। इससे जहां लोगों को काफी लाभ हुआ, खासकर ग्रामीण अंचलों में उन लोगों को जिनके पास दूर दराज के अस्पतालों तक जाने के लिए अपना साधन नहीं था। इस योजना के आने के बाद से ऐसे लोगों को काफी राहत मिली थी। एक कॉल करने पर एम्बुलेंस मुहैया हुई और वाहन के अभाव में अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ देने वालों को राहत मिली। हर दिन वेल्डिंग दुकानों में होता है काम, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लचर सिस्टम के चलते अब इस योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां अमेठी जिले के लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर कमरौली थाना अंतर्गत रोड नंबर 4 पर सड़क किनारे जो दृश्य दिखा उसने स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ साल पहले एक एम्बुलेंस खराब होकर खड़ी हो गई थी। सरकारी संपत्ति होने के बावजूद विभाग ने सुध नहीं ली। काफी लंबे इंतजार के बाद पास के एक मिस्त्री ने जुगाड़ कर उसको उपयोग में लाया। उसने एम्बुलेंस के पिछले गेट को खोल अपनी दुकान का मुख्य गेट बनाते हुए उसमें गैस वेल्डिंग का उपकरण रखकर रिपेयरिंग करने लगा। दुकानदार हर रोज ताला खोलकर दुकान खोलता है और शाम को ताला बंद करता है। सरकारी एम्बुलेंस वेल्डिंग की दुकान में तब्दील हो गई है और मिस्त्री ने जुगाड़ कर एम्बुलेंस में अपना काम भी शुरू कर दिया है। पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना किस हद तक है और कितना सही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।